नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। एमआई वर्सेस सीएसके के बीच में चेन्नई और मुंबई के बीच में कल जो है मैच खेला गया, जिसमें मुंबई को 20 रनों से चेन्नई ने हरा दिया। अंक तालिका में नंबर वन बने धोनी के धुरंधर। सीएसके की टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की। वे 58 गेंदों में 88 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा ट्रेंट बेबो ने 8 गेंदों पर 23 रन बनाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2021 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके की टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की। वे 58 गेंदों पर 88 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा ट्रेंट बेबो ने 8 गेंदों पर 23 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 136 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए सौरभ तिवारी ने सबसे ज़्यादा 50 रन बनाए और नाबाद रहे। दोस्तों, इस जीत के साथ चेन्नई की टीम अंक तालिका में नंबर वन पर पहुंच गई है। टीम 8 में से 6 मैच जीत और उसके 12 अंक हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के भी इतने ही अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट में वह चेन्नई से पीछे है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 10 अंक के साथ तीसरे नंबर और मुंबई 8 अंकों के साथ चौथे पायदान पर पहुँच गई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने फॉफ डुप्लेसिस को शून्य पर आउट कर दिया। इसके बाद पहली सफलता दिलाई। चेन्नई अभी इसके झटके से उबरी ही नहीं थी कि अगले ही ओवर में एडम मिलने ने मोइन अली को शून्य पर आउट कर दिया। तीसरे ओवर में बोल्ट ने सुरेश रैना को 4 पर आउट कर दिया और उसके बाद जो है कैप्टन धोनी 3 रन में मुंबई को चौथी सफलता दिलाई। पावर प्ले तक चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 24 रन ही रहा। रिटायर हेड हुए रायडू। सीएसके की पारी के दूसरे ओवर में एडम मिलने की गेंद कोहनी पर लगने के बाद अब्बाती रायडू रिटायर हेड हो गए और ड्रेसिंग रूम लौट आए। इसके बाद वह वापस बल्लेबाजी के लिए मैदान पर नहीं जा सके। तो दोस्तों, आप लोगों को हमने बताया और चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 4 विकेट गिरने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा 5वें विकेट के लिए 64 गेंदों पर 81 रन जोड़े। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जडेजा को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। जडेजा 33 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए। तो दोस्तों, ये थे कल के मैच के बारे में और आशा करता हूँ कि आपको ये जो है जानकारी अच्छी लगी हो। ऐसे ही आप क्रिकेट की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैच से संबंधित सारी अपडेट मिलती रहती है। मिलेंगे कल के मैच के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।